इंदौर में ट्रैफिक महिला सूबेदार के साथ बालाघाट ट्रांसफर कराने की धमकी देने के मामले में आरोपों के घेरे में घिरे पीडब्ल्यूडी मंत्री के भतीजे अभय वर्मा के मामले में पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, अगर मेरे भतीजे ने बालाघाट ट्रांसफर कराने का कहा होगा तो उसका तत्काल इस्तीफा दिलवा दूंगा, लेकिन आरोप गलत है तो महिला भी इस्तीफा दे। सज्जन वर्मा ने कहा कि मेरा परिवार संस्कारी है, ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मैं संस्कारी परिवार का हूँ, मेरे पूरा परिवार, मेरे भतीजे भांजे सब संस्कारी हैं। यदि अभय वर्मा, जो 3 बार के पार्षद हैं, इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, यदि उस सूबेदार को मेरे भतीजे ने ये कहा होगा कि मैं तेरा ट्रांसफर करा दूंगा, यदि कल उसका पार्षद सिर से इस्तीफा नहीं दिला दूँ तो मेरी राजनीति करने पर लानत भेजता हूँ, या वो महिला इस्तीफा दे दे जिसने ये आरोप लगाया अपने पद से, ये मैं चैलेंज करता हूँ। सज्जन भैया, इससे पहले भी एक सूबेदार था अरुण, उसमें अश्विन जोशी के भतीजे का नाम था, इस बार आपके भतीजे नाम, तो ये बार बार पुलिस और इसमें समन्वय की तकलीफ कहाँ आ रही, क्या ये साजिश मानते हैं क्या? सामाजिक जीवन हम लोग जीते हैं, राजनीतिक दल में हैं, हजारों लोग हमसे अपेक्षा रखते हैं कि सज्जन भैया हैं तो हमारे काम हो जाएंगे, छोटे मोटे काम आते हैं, लेकिन मैं इन घटनाओं को देख के समझ रहा हूँ कि अभी कई लोगों पे से भारतीय जनता पार्टी का नशा उतरा नहीं है, पर धीरे धीरे उतर जाएगा। कांग्रेस की शैली बदला लेने की भावना से हमारी कार्यशैली नहीं होती, हम अपने कार्यों से उनको झुका देंगे, वो समझ जाएंगे कि संस्कार वाली पार्टी है, इसका साथ देने में ही हित। उन्होंने बताया कि 3 बार से अभय वर्मा कांग्रेस से पार्षद हैं। आपको बता दें कि इंदौर के राजीव गांधी चौराहे पर सज्जन सिंह वर्मा के भतीजे पार्षद अभय वर्मा ट्रैफिक नियमों को लेकर महिला ट्रैफिक सूबेदार से भिड़ गए थे। महिला सूबेदार को मंत्री जी के भतीजे ने बालाघाट ट्रांसफर करने की धमकी दी थी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मंत्री जी के भतीजे मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चला रहे थे। अगर मैंने बात करी ना तो जो आपके हाथ में फोन था, आप बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। चलो जाओ मैडम, आप मुझे कागज दिखाइए अपनी, कागज दे दूंगा आपको, आप मुझे मौके पर कागज दिखाइए, कागज बुलाना पड़ेगा, आप गाड़ी नहीं चला सकते, मौके पर कागज दिखाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है, आप सम्मानित हैं, मैं करूंगी, सम्मानित हो मेरे पास कागज, नहीं 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 नहीं, आपकी गाड़ियां 10 बच्चे में आप कर रहे हो, उंगली नीचे कर लो, आपने उंगली नीचे कर लो, आप उंगली नीचे कर लो, आप इस तरीके से आप उंगली नीचे कर लो, नहीं गलत 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 जानकारी, गलत जानकारी, देखो किसी जनप्रतिनिधि के मत करो, क्या 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 जनप्रतिनिधि में रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, आपसे बहुत तमीज से बात करिए, ये जनप्रतिनिधि मत करो, नहीं नहीं मत करो, आप ये मेरे बात करो, अच्छी बात नहीं, ये मेरे बात करो, तुम्हें करो, आप बिल्कुल करते रहो, करते रहो, आप जब आप कागज बताइए, अरे मैं कागज दे रहा हूँ ना आपको, मैडम मैडम और क्या चाहिए मैडम, अभी गाड़ी के कागज चाहिए, और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, पहले गाड़ी के कागज चाहिए, बताइए देते मैडम, हेलो सर पर चढ़ेंगे, नाच लीजिए आप अभी जो बेटा बोल, अच्छी बात नहीं मैडम, ऐसा करो आप, अच्छी बात नहीं है, टाइल वाले मंत्री जी की गाड़ी है, घर से कागज लिया, आपको कागज दिखा देते हैं मैडम, है ना, फोन पर बात करने का चालान मैं काटती हूं, नहीं ऐसा नहीं है, आप गलत 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 कोर्ट में लगा देना मेरे अगेंस्ट कि मैंने गलत चालान काटा, आप कोर्ट में लगा देना, मैं जवाब दे दूँ, आपको लग रहा है ना गलत कर रहे हैं, आप मुझे बता दो फोन पर बात करती हुई, बिल्कुल बता दूंगी मैं, ये गाड़ी छोड़ दूंगा अगर मुझे आपसे आकर बात करती होगी, अगर अगर फोन कान में फोन लगा हुआ आप बोल रहे हो ना कि बीच में आगे खड़ा हो गया था, सारी फुटेज निकलवा के दूंगा, मत करो सारी फुटेज निकलवा के, आपने सिर्फ गलत बोला कि हट जा मुंह मत लग, ऐसा नहीं बोला मैंने, आपने ऐसा बोला सामने आ जाएगा, मुझे कोई शोर नहीं, आप क्या कर रहे हैं ये सुनो, ऐसा आप आए गाड़ी के सामने करके, अरे डेली की सैकड़ों गाड़ियां छूटती है, ऐसी बात नहीं है, डेली की सैकड़ों गाड़ियां छूटती है, सभी की गाड़ी ऐसी नहीं, सभी की गाड़ी ऐसी नहीं रोकी जाती है, मुझे चाहो तो भरत भैया को फोन लगा लो, भरत भैया को फोन लगा लो, सैकड़ों गाड़ियाँ छूटती है, सैकड़ों छोड़ते हैं, अरे कुछ नहीं जो भी हो वो कर लो, तो आप कर लेना, आपको जो करना है सोनू वाजपेयी नाम है, सोनू वाजपेयी नाम है, बाकी थोड़ा सा आपको नाम लगा दो, रखो हट जाओ, वो मतलब फोन लगने खड़ा है, सिपाही है तो कुछ भी बोल दोगे यार, हद हो गई, कर लेंगे आज नाता कर लेंगे, अच्छी बात है, तो
बोला? मैंने कब बोला आपको? मैं अभी फुटेज निकलवाऊंगी, मैं अभी फुटेज निकलवाऊंगी, आप निकलवाई फुटेज, और मैं करूंगी अब इसको। आप निकलवाई फुटेज, आप कार्रवाई करो, आप कार्रवाई करो, आप मुझे कागज बताइए, आप कार्रवाई करो ना, आप मेरे को कागज, आप कार्रवाई करो, आप कागज दो तभी तो। बोले मुंह मत लग मेरे साइड में हट, और कुछ नहीं। हाँ आपने ही बोला, मुंह मत लग मेरे साइड में हट, इससे मैंने बोला आपको। जी जी, और आप गाड़ी पे इसलिए मैंने आपको रोका। अच्छी बात, अरे मेरे को कोई शौक नहीं सुबह सुबह झूठ बोलने का। खड़े होकर झूठे तो बोलते हम, करते क्या? इनका 5 दिन लगा रहा हूं, आपको भी आपको काम है ना, ठीक है? आपकी नौकरी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, और वो होंगे दूसरे पुलिस वाले जो सुन लेते होंगे, मैं कभी नहीं सुनूंगी। मैडम मैंने आपको कुछ बोला क्या अभी तक? देखो पीछे गाड़ी आ रही है, ले जाएंगे उधर भैया। क्या बोलती है? 1000 रुपए मांगे जवान ने मेरे से, मैंने नाम नहीं बताया उसको, 1000 रुपए मांगे छोड़ने में मेरी गाड़ी के चालू है, लोग आवेदन देंगे हमारी सरकार, हम आवेदन देंगे, नहीं 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 हम आवेदन देंगे, अरे आप बात किसी कर रहे हैं, हम आवेदन देंगे। उनका कहना है कि मेरी जूती, हम सीएम साहब के बारे में सीएम साहब की वैसे बोल रहे हो, मेरी बात देखो जो मेरी क्षमता भाई होती नहीं है, आप मांग रहे हो सीएम साहब के बारे में अनशन बोल रहे हो, जनप्रतिनिधि से उंगली दिखा के बात कर रहे हो, कहना अलग चीज होती है, आप निकाल लो, देखो ये बताओ मीडिया वालों को बताओ, सब चीज आ जाएगी, बिल्कुल जो चीज होगी हकीकत में मेरी गाड़ी के सामने मर जाता तो भाई, मेरा यहाँ अरे मर जाता तो हम गुना करो जाते, वैसे आप बिल्कुल दौड़ते मेरी गाड़ी के सामने, टर्न है, टर्न पे गाड़ी किस स्पीड में रहती है आप भी, आप रात को हालत तो देखो क्या लोगों की हालत कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब आतंक मचा दिया है, आतंक मचा रखा है, हर चौराहे पे आतंक मचा रखा है, हर चौराहे पे आतंक मचा रखा है। आप मुझे बताएं कैसा होगा ये, कैसे होगा? जो चीज बोल रहे हो वो सब जांच के विषय है, यदि आप उसको जांच करा ली जाएगी, यदि आप मेरी बात से संतुष्ट नहीं है, ये तो पब्लिक को समझाने का तरीका है, आपसे संतुष्ट नहीं है तो मैं आपकी बात ऊपर को जाऊंगा, कांग्रेस को वोट दोगे तो ऐसा होगा, आप बात में करते हैं ना, पहले आप अभी हाथों आदमी को सस्पेंड करो, मेरी बात सुनी है, हमारी सरकार में मतलब हमारी भी सुनवाई नहीं होगी तो मतलब कह रहे हो राजनीति करने का, मेरी बात सुनिए, एक मिनट कानवा जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं कानवा जी, कानवा जी क्या है, एक मिनट मंत्री जी के बारे में बोल रहा है, आप मेरे को बोल रहे हो, आप कोई किसी को नहीं बोलता ना बोल सकता, हमारे लिए सब लोग एक बराबर है, हम आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे ना, नहीं तो वही तो सब चीज देखी जाएगी ना, वो भाई मैं तो अभी आके मैंने आप चर्चा की है, क्या है शांति बना रहे, चलो शांति बनाओ सर, सब सब यही रुक रहे हैं, इन्होंने क्या बोला विजय? मेरा मुंह मत रो, तो अगर कोई सड़क पर कर्मचारी खड़ा हुआ है, एक मिनट सर हम पूरा वीडियो देंगे, है ना, कोई अगर मेरे अधीनस्थ कोई कर्मचारी काम कर रहा है और कोई किसी को अगर ऐसे बोलेगा तो सर वो सोचनी नहीं है, उसके बाद फिर मैं वहाँ बैठी हुई थी, ये आए वहाँ पर पास में, इन्होंने मुझसे भी बोल दिया, ऐसे कैसे गाड़ी रोक दी, फिर मैं उठी, फिर इन्होंने मैंने बोला वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऐसी जैसी सिचुएशन आती है हम लोग पहली फुर्सत में वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं, वीडियो बनाना स्टार्ट किया, इन्होंने मेरे मुंशी को बोले वीडियो बनाना बंद कर, इसको बंद करो, फिर यहाँ पर बात होने लगी, फिर इन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं ये हूँ, ऐसा क्योंकि आप बदतमीजी नहीं करते, ठीक है आप माननीय है, प्रतिनिधि है, जनता है, लेकिन आप इस तरीके से बदतमीजी नहीं करते, फिर साहब का स्टार्ट हुआ, ये मंत्री की गाड़ी है, ऐसा है वैसा है, ये वो है, जो भी आप समझ रहे हैं, है ना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, फिर उन्होंने बोला नहीं बात कर रहे थे, हम उसको प्रूव कर सकते हैं, हम फेसबुक पे निकाल देंगे, और वीडियो मत बना भैया,
थोड़ी उंगली दिखाने का तरीका नहीं है। यार हम बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो हम आपसे शालीनता से बात कर रहे हैं ना, तो बस हमारी सुनिए, हम बैठ के बात करेंगे, हम रोड पे बात नहीं करेंगे। जो भी होगा स्टार्ट होगा, हम तो रोड पे बात करेंगे। चलो चलो रोड पे बात करेंगे। चलो चलो मेरा नाम